अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और ट्रिप से हम लोग वापस आ गए, बहुत ही मज़ेदार हमारी वेकेशन रही और बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ब्रेक मिला। एक बहुत अच्छा वेदर, एक बहुत अच्छी खूबसूरत कंट्री हम लोग देख के आए। हमारे ब्रेन को, माइंड को, बॉडी को ज़रूरत होती है कि एक साल में एक दफ़ा सही हमें एक ब्रेक मिले। क्यों मुबीन, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एक ब्रेक सही होता है इंसान के रेगुलर एक्टिविटीज से, टेंशन प्रेशर सारा पूरा। और एक साल में एक छोटा 4-5 दिन का, अगर एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का वेकेशन अगर आप करें, बहुत स्ट्रेस रिलीवर होता है। और अजरबैजान कैसा था? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा था। और वहाँ पे जो हाईलाइट है ना, वो उनकी नेचुरल ब्यूटी है, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं डिटेल्स भी आपसे शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए और क्या पैकेज था और कैसे हम लोगों ने वहाँ पे घूमा फिरा, सब चीज़ें मैं आपसे एक व्लॉग में शेयर करूँगी अपने अपकमिंग व्लॉग में, या आई थिंक मैंने शेयर कर दिया है अब तक ना। और क्या नाम से, अभी मैं कहाँ जा रही हूँ? अभी मैं जा रही हूँ मेरी सिस्टर के घर। और एक और सरप्राइज़ है कि मेरी अम्मी आई हुई हैं दुबई, और थोड़े दिनों के लिए वो आई हुई हैं यहाँ पर, तो ये है कि उनसे मिलने मैं अभी जा रही हूँ। और बस वहाँ पे भी व्लॉग कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह ताला, और अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को अपने साथ रखूँगी। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम लोग आए हैं अपने घर के पास की एक सुपरमार्केट में, क्योंकि कल हमारा बारबेक्यू का प्रोग्राम है और मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें ले लेते हैं चल के। तो चलिए अंदर देखते हैं जी व्यूअर्स। चिकन वगैरह लेनी है कुछ, और ड्रिंक्स लेनी है, और सॉसेजेस वगैरह। देखते हैं अभी क्या क्या बाय करते हैं हम लोग बारबेक्यू के लिए। और अम्मी आई हुई है मेरी, तो बस ज़्यादा हल्ला गुल्ला चल रहा है। हम लोगों ने बारबेक्यू का प्लान बनाया, तो मैंने सोचा था कि मलाई टिक्का पे मैरिनेट कर लूँगी और वो लेके जाऊँगी। तो अभी देखते हैं कि चिकन किस तरह मिलती है और क्या मैरिनेशन मैं उस पर करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो जी जनाब, ये है सारा बीफ का और चिकन का सेक्शन। यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से उठा लेती हूँ जो जो मुझे लेना है, और उसके बाद फिर घर जाके मैरिनेट करेंगे। ये देखें जी, राफे को हैप्पी न्यू ईयर की कैप नजर आ गई, और राफे ने ये पहन लिया, इतना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह से। मिन्हा की पुरजोर फरमाइश पे, नहीं उनको नहीं लगानी। व्यूअर, शॉपिंग हमारी हो गई है और सॉसेजेस भी मैंने बाय कर लिए हैं, बीफ भी लिया है और चिकन भी। और देखिए उसके साथ साथ कितनी एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लोगों ने बाय कर ली हैं। बच्चों के साथ यही सब चलता रहता है, शॉपिंग पे ले आओ ना तो बस चिप्स बिस्किट और स्ट्रॉबेरी मिल्क्स वगैरह, ये सब चीज़ें तो पक्की ही होती हैं हमेशा। अच्छा, हमको सिखा रिया है जी जनाब, मैंने मैरिनेशन कर ली है। ये है बिहारी बोटी, इसकी मैंने मैरिनेशन कर दी है। और ये है हमारा मलाई टिक्का, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर, बहुत शुरू शुरू में मैंने अपने चैनल पे शेयर की थी, और बहुत मज़े का बनता है ये। अगर किसी को चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। और इस तरीके से हमारी मैरिनेशन हो गई, और साथ में मैंने कुछ सॉसेजेस लिए हैं ज़रा बारबेक्यू में, जब वो कोयलों के ऊपर बनते हैं ना तो बड़े मज़े के लगते हैं। आई नो प्रोसेस फूड है, बट कभी कभी ओकेजनली तो चलता है, तो बहुत टेस्टी है ये। और थोड़ा सा मैंने ओवर स्पाइसी किया है, क्योंकि जब बारबेक्यू पे ये पकता है ग्रिल के ऊपर तो इसके सॉसेस गिरते भी हैं ना, तो बैलेंस हो ही जाता है, तो थोड़ा सा स्पाइसी रखा है। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे बारबेक्यू के वेन्यू पर। जी व्यूवर्स, हम लोग पहुँच चुके हैं लोकेशन के ऊपर, और बड़ा अच्छा सा पार्क है ये, मैं आपको पार्क दिखाती हूँ। ये देख, बच्चे खेल रहे हैं अपना, काफ़ी लोग हैं क्योंकि वेदर बड़ा अच्छा हो गया है ना। और ये मेरी अम्मी है, अम्मी हेलो ये अम्मी आई हुई हमारी पाकिस्तान से और बस अम्मी को एंजॉय करवा रहे हैं हम लोग सब, कि अम्मी अच्छा सा टाइम स्पेंड करके जाएं, क्योंकि विंटर्स है ना, अच्छा मौसम आया हुआ है आजकल, बहुत ज़बरदस्त। लाइट ऑन करोगी? हाँ, ये देखें जी, ये चाय है, ये हम मैरिनेशन का सामान लेके, मैरिनेशन का सामान है, ये केक्स हैं, ये हमारी पार्टी हो रही है, केक्स हैं, ब्राउनीज हैं, कबाब बन रहे हैं इधर। ये किसके हैं, लैम के? ये मटन, हाँ। मटन के कबाब हैं जी। मुबीन, मज़ा आ रहा है आपको? बिल्कुल व्यूवर्स, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा एक्सपीरियंस है, ठंडी मौसम में प्लीज डू इट, करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, ये बिहारी बोटी भी बन रही है और उधर विंग्स भी बन रहे हैं, और ये मेहनत कर रहे हैं जीजू हमारे हेड शेफ हैं, हेड शेफ एक्सपर्ट, मेहनती बारबेक्यू एक्सपर्ट, बारबेक्यू एक्सपर्ट। आपको बड़ा अच्छा है यार, आप कुछ कहना चाहेंगे बारबेक्यू के बारे में? नहीं, मैं सबको कहना चाहूँगा, सारे व्यूअर्स, कि यही एक महीना
जनवरी का जी, खुल के एंजॉय करें, बारबेक्यू करें, खूब सारा बारबेक्यू करें, सारा करें और मिल के करें जी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना जी। व्यूअर्स, अभी हमारे सॉसेजेस बन रहे हैं और विंग्स बन रहे हैं, बस अभी स्लो स्लो ये सारा हमारा मैरिनेशन का सामान रखा हुआ है। कुछ बाजी बना के लाई हैं, कुछ मैंने लगाया है, कुछ बाहर से भी लिया है, तो बस अभी पक रहा है। कल का तो व्लॉग मैं कंटिन्यू करना बिल्कुल भूल गई और मैं बाजी के घर पहुंच के अम्मी से मिलने की एक्साइटमेंट में वीडियो कंटिन्यू करना भूल ही गई कि मैं अपने व्यूअर्स को भी अपनी अम्मी से मिलवाऊं। लेकिन इस वाले व्लॉग में मैंने अपनी अम्मी को भी आप सबसे मिलवा दिया, तो कल की मेरी जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी आप सबसे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। यहाँ पे सारा बच्चों का ये प्ले एरिया भी बना हुआ है और काफ़ी अच्छा बड़ा बना हुआ है और पार्क ही इटसेल्फ बहुत बड़ा है और बच्चे यहाँ पे अभी खेल रहे हैं। मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी कैप्चर कर लूँ और वहाँ हैं बच्चों के साथ उनकी टेक केयर करने के लिए, तो मुझे इतनी फिक्र नहीं है कि राफे क्या कर रहे हैं और मिन्हा क्या कर रही हैं, वो संभाल लेती है। तो बस अभी मैंने कहा छोटा सा मैं एक क्लिप ले लूँ। देखिए जी व्यूअर्स, मज़ेदार से हमारे कबाब रेडी हैं, सॉसेजेज भी हैं, सीख कबाब भी हैं, बिहारी बोटी भी है, हुमस भी है, गार्लिक सॉस। ये देखिए जी व्यूवर्स, ये गार्लिक सॉस नहीं है, ये गार्लिक सॉस है और इसकी रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है। सैलड वगैरह आ गई है, हुमस है बाजी ने बनाया हमारी। चले जी इंजॉय करते हैं हम फूड, फिर आपसे मिलते हैं। ये क्या बन रहा है, कॉफ़ी बन रही है, हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट बन रहा है भाई, वो भी कोयलों के ऊपर, वो ज़बरदस्त जी। भाई क्या क्या डाला है आपने इसमें? ये हमारे पास 1 लीटर लेक्नोर का मिल्क है, फुल अच्छा। क्रीम आपने ये ले लिया क्योंकि बच्चे बहुत शौक से पीते हैं और इसके साथ मैंने लिया है ये हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट पाउडर लिया है, ये शुगर भी होती है इसके अंदर, ठीक अच्छा, है फिर हमें चीनी डालने की जरूरत नहीं, आप चख लें। अगर आप इसमें ना बच्चों के लिहाज से बनाना है तो थोड़ी सी चीनी डालनी पड़ेगी। अभी हम इसको पकाएंगे, जब इसको सर्व करेंगे फिर मैं आपको इसकी और आगे की रेसिपी बताऊंगी, ठीक है? चलें अभी हम इसको पकाएंगे। और इतनी कोई अच्छी सी ठंड हो रही है ना, कोई बुरी लगने वाली भी नहीं हो रही और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। बारबेक्यू के बाद आप ये पिए तो मज़ा ही कुछ और, सफल हो जाता है बारबेक्यू, सफल हो जाता है, सही बात। जी व्यूअर्स, हमारा हॉट चॉकलेट रेडी है, ऊपर से मार्शमेलो डाले हैं, कितना मज़े का लग रहा है। ये चॉकलेट स्प्रिंकल, चॉकलेट भी स्प्रिंकल करी है हमने, चाहे तो इसके ऊपर फ्रेश क्रीम जो होती है ना, हाँ, स्प्रे वाली विप क्रीम भी डाल सकते हैं, मज़े का लग रहा है ये। चलिए जी इसको हम ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। बहुत मज़े का है ये तो। देखिए जी व्यूवर जी, कितनी अच्छी चीज़ है कि यहाँ लोग आते हैं, खाते पीते हैं, अपना बारबेक्यू करते हैं या बाहर से खाना जो भी लेकर आते हैं वो अपना सारा मेस क्लीन करके खुद से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर कचरा फेंक गए, उधर चिप्स के रैपर्स पड़े हुए हैं, इधर चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अभी हम लोग भी अपना मेस क्लीन कर रहे हैं और या तो डस्टबिन पर लोग डाल देते हैं और अगर डस्टबिन फुल हो गए हैं तो फिर उसके साइड में रख के चले जाते हैं ताकि सुबह दूसरों को भी क्लीनिंग करने में आसानी हो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और सिविलाइज्ड जो लोग होते हैं, कौम होती हैं, वो अपनी मुल्क को, अपनी जगहों को साफ रखते हैं ताकि जो उनके पिकनिक पॉइंट्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वो साफ़ सुथरी नज़र आए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है। और अभी हम लोग खैर बाजी के घर जा रहे हैं और सबने मिलकर यही प्लान बनाया है कि हम लोग वहीं स्टे करेंगे और रात भर जो है वो गपशप चलेगी और इंशाल्लाह फिर हम लोग सुबह घर जाएंगे। तो फिर चलिए बाजी की तरफ चलते हैं। तो जी जनाब, देखिए ये है सुबह सुबह का टाइम और ये हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और जीजू ब्रेकफास्ट हमारे बाहर से ले आए थे और ऑमलेट हम लोगों ने घर में बना लिया था। बहुत ही मज़ेदार व्लॉग्स मेरे आगे भी आ रहे हैं, आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना है और मेरे हर व्लॉग को बहुत इन्जॉय करना है क्योंकि अम्मी आई हुई हैं और हैपनिंग तो रहेगा ये टाइम, कुछ ना कुछ हम सेलिब्रेट करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर मोर अपकमिंग व्लॉग्स, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।